अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यू आर वाचिंग आरएमआई 45। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। हुकूमत का एहसन इकदाम, अब नौजवान घर बैठे कमाई कर सकेंगे। ई रोज़गार प्रोग्राम में ई कॉमर्स कोर्स को भी शामिल कर लिया गया। मंसूबे का मकसद नौजवानों को घर बैठे रोज़गार कमाने का हुनर सिखाना है। अब तक 31,000 से ज़ायद नौजवानों को तरबियत दी जा चुकी है। तफसीलात के मुताबिक ई रोज़गार प्रोग्राम में ई कॉमर्स के कोर्स को भी शामिल कर दिया गया है। ई रोज़गार महकमा, यूथ अफेयर्स व खेल और PITB का मुश्तरका प्रोग्राम है। प्रोग्राम के नए मरहले के लिए दरख्वास्तों की वसूली जारी है। नौजवान ई कॉमर्स, टेक्निकल कंटेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग या क्रिएटिव डिज़ाइन में दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। ई रोज़गार तरबियती प्रोग्राम के तहत नौजवान 3,50,00,00,000 रुपये से ज़ायद ज़र मुबादला कमा चुके हैं। 31,000 से ज़ायद नौजवानों की प्रोग्राम के तहत तरबियत मुकम्मल हो चुकी है। बेरोज़गार नौजवानों को घर बैठे इंटरनेट से पैसे कमाने का हुनर सिखाया जा रहा है। पंजाब के 36 अजला के कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में ई रोज़गार सेंटर कायम हैं। लाहौर में 3 ई रोज़गार सेंटर, लाहौर कॉलेज UET और पंजाब यूनिवर्सिटी में कायम है। इसके लिए कम से कम तालीम 16 साल होनी चाहिए। 35 साल तक के पंजाब डोमिसाइल और बेरोज़गार अफराद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।